नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ का एक शानदार और दमदार सेशन। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से नंबर सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं और नंबर सिस्टम का विस्तार पूर्वक अध्ययन भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाज्यता का नियम। दोस्तों, भाज्यता के नियम पे चलते हैं और सीखते हैं किस प्रकार भाज्यता के नियम आने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले भाज्यता के नियम दोस्तों, सबसे पहले संख्या आती है एक, और एक की भाज्यता का नियम दोस्तों, सभी संख्याओं में एक का तो भाग जाता ही है, इसलिए इसका भाज्यता का नियम बड़ा आसान है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और संख्या दो, दो की भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? दो की भाज्यता का नियम, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से होगा, उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों, दो के भाज्यता का नियम एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होगा, उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीन की भाज्यता का नियम। तीन की भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? यदि किसी संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाएगा दोस्तों, तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में संख्या है 27, इसको चेक करना है कि ये 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसके अंकों का योग करेंगे दोस्तों। जो अंकों का योग होगा 2 + 7 = 9, और 9 में यदि 3 का भाग जाएगा तो ये 27 संख्या होगी जो 3 से भाज्य होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, 3 का भाग 9 में जा रहा है तो ये 27 भी 3 से भाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या और लेते हैं दोस्तों, 181। अब इसमें चेक करेंगे कि 3 से भाज्य है नहीं, दोस्तों इसके अंकों का योग करेंगे। जो अंकों का योग हो रहा है 1, 8 + 1 = 10, और 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है दोस्तों, इसलिए 181 3 से भाज्य नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार की भाज्यता के नियम के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 4, 8 व 16 का भाज्यता का नियम। 16 का भाज्यता का नियम सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों, 4 का भाज्यता का नियम क्या होता है? 4 का भाज्यता का नियम दोस्तों, किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों, तो वह संपूर्ण संख्या 4 से भाज्य होगी। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि 4 का भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों। जैसे संख्या ले ली 432, अब इसको चेक करेंगे कि ये 4 से भाज्य है नहीं दोस्तों। अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देकर देखेंगे कि 4 से भाज्य है नहीं, तो 4 × 32 दोस्तों, तो यह 4 से विभाज्य है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम होता है दोस्तों, 4 की भाज्यता के नियम में तो किसी संख्या के अंतिम दो अंक लेते हैं, और 8 की भाज्यता के नियम में दोस्तों अंतिम 3 अंक लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल लेकर, जैसे यही एग्जाम्पल ले लिया 432, तो दोस्तों इसमें 3 अंक की है, तो इसके तीनों अंकों में 8 का भाग देकर देख लेंगे दोस्तों। यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये 8 से भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। चलिए दोस्तों, 8 का भाग 432 में देते हैं और देखते हैं, 8 × 5 = 40 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 बच गया, और 8 × 4 = 32, तो यह 4 से विभाज्य है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार 16 का भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? 16 के भाज्यता के नियम में किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में भाग देकर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि यह 16 से भाज्य है या नहीं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 5 की भाज्यता का नियम देखते हैं। 5 की भाज्यता का नियम
दोस्तों पांच की वाचकता का नियम क्या होता है, किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि जीरो व पांच होगा तो वह संख्या पांच से भाज्य होगी। दोस्तों संख्या के इकाई के अंशांश से दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है 50, 555, 725। दोस्तों इसमें देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि इकाई का अंक जीरो है, यहाँ इकाई का अंक पांच है दोस्तों, और यहाँ इकाई का अंक पांच है। तो आज बड़े आसानी से बता सकते हैं कि पांच के भाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक जीरो व पांच होगा तो उस संख्या में पांच का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छह की भाजकता का नियम। छह की भाजकता का नियम दोस्तों, छह की भाजकता का नियम होता है कि छह को इस प्रकार तोड़ना है, छह को इस प्रकार तोड़ेंगे दोस्तों कि यह अभाज्य संख्या में टूटे, या जैसे दो व तीन ले लिया दोस्तों, दो इंटू तीन छह होता है, तो इस संख्या के अंदर सह अभाज्य भी एक होना चाहिए। सह अभाज्य से आशय दोस्तों कि यह इन तीन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक आना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार तोड़ेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे छह की भाजकता के नियम में, कोई संख्या ले ली जैसे 256, तो इसमें देखेंगे कि इसमें दो का भी भाग जाना चाहिए दोस्तों और तीन का भी भाग जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं दो की भाजकता के नियम पे। अभी मैंने चर्चा की कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं इसका इकाई का अंक 6 है, तो यह 2 से तो भाज्य है। अब तीन की भाजकता के नियम पे चर्चा की कि अंकों के योग में यदि तीन का भाग जाएगा दोस्तों तो वह तीन से भाज्य होगी। दोस्तों 5 और 2, 7 और 6, 13, और 13 में तीन का भाग नहीं जाता दोस्तों, इसलिए 256 होगी संख्या 6 से विभाज्य। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 की भाजकता का नियम। दोस्तों 9 की भाजकता का नियम भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार 3 की भाजकता का नियम देखा दोस्तों। 3, 9 व 27 की भाजकता का नियम एक ही प्रकार से निकाला जाता है कि अंकों का योग कर लेते हैं दोस्तों, अंकों का योग हो जाता है और उसमें जिस संख्या का, इन तीनों में से जिस किसी भी संख्या का पूछा जाता है उसका भाग देकर देख सकते हैं आराम से कि संख्या से भाज्य है नहीं। इसमें 9 की भाजकता के नियम में दोस्तों जैसे अपन ले लेते हैं 729 एग्जाम्पल लिया 729। अब इसमें चेक करेंगे कि ये 9 से भाज्य है या नहीं, तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि इन सभी अंकों का योग करने के बाद अंकों के योग में यदि 9 से 9 का भाग जा रहा है तो वह 9 संख्या 9 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। दोस्तों इसमें 7 और 2, 9, 9 और 9 होता है 18, और 18 में 9 का भाग बड़े आसानी से जाएगा, इसलिए 729 दोस्तों 9 से भाज्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले भाजकता का नियम। दोस्तों 10 की भाजकता का नियम तो सीधा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक जीरो होगा वह ही 10 से भाज्य होगी, अन्यथा कोई संख्या 10 से भाज्य नहीं होगी, इसमें इकाई का अंक जीरो होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 की भाजकता का नियम देखते हैं। 11 की भाजकता का नियम होता है दोस्तों जैसे कोई संख्या ले ली 1331 दोस्तों। अब इसमें 11 की भाजकता का नियम निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए कोई भी संख्या के अंकों को क्रमागत अंतर या तो शून्य होना चाहिए, क्रमागत अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए दोस्तों, विभाजित होना चाहिए दोस्तों। क्रमागत अंतर से यहां आशय है कि एक अंक छोड़कर दूसरा अंक लेने से उसे क्रमागत बोला जाता है दोस्तों। यहां लेंगे पहला अंक 3 है, फिर 1 छोड़ेंगे और दूसरा अंक लेंगे
तो यह तीन हो गया, तो इन दो पहला प्लस तीसरा का योग चार हो गया, और यहां दूसरा क्रमागत लेंगे तो तीन और एक चार यहां हो जाएगा, इन दोनों का अंतर दोस्तों जीरो आ रहा है, इसलिए यह 11 से विभाज्य होगी। दोस्तों यदि अंतर या तो शून्य आए या ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो दोस्तों, तो वह 11 का भाज्यता का नियम होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं और 12 की भाज्यता का नियम भी देखते हैं। 12 की भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम दोस्तों, 12 का भाज्यता का नियम भी उसी प्रकार निकालेंगे कि 12 के इस प्रकार टुकड़े किए जाएंगे दोस्तों, जिसका जिन टुकड़ों का सह अभाज्य गुणनखंड एक होना चाहिए दोस्तों, या HCF एक आना चाहिए, HCF एक आना चाहिए। HCF से यहां से हाइयर कॉमन फैक्टर होता है दोस्तों, महत्तम समाप्रत्यय होता है कि महत्तम समाप्रत्यय एक होना चाहिए। तो 12 को तोड़ने में तो दोस्तों 2 × 6 में भी 12 होता है, तो इसमें देखेंगे कि इसका HCF है दोस्तों वह 2 आ रहा है, इसलिए इसका यह टुकड़ा नहीं ले सकते। इसका टुकड़ा होगा दोस्तों 3 × 4, 3 × 4 का दोस्तों यहां HCF एक निकल कर आ रहा है, इसलिए 12 का टुकड़ा 3 और 4 ही लेंगे दोस्तों। लेने में तो 2 × 6 भी हो सकता है 12 का टुकड़ा, लेकिन उसका HCF 2 आ रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका HCF हमेशा एक हो। इस प्रकार 12 की भाज्यता का नियम निकाल सकते हैं कि जिस संख्या में 3 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी भाग जाना चाहिए, वह 4 का भी भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार किसी भी संख्या का भाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों 18 की भाज्यता का नियम क्या होगा, 18 की भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम 18 की भाज्यता का नियम होगा दोस्तों, इसको भी उसी प्रकार तोड़ना है दोस्तों कि उसमें HCF एक आए, HCF एक आना चाहिए दोस्तों। 18 का टुकड़ा करेंगे दोस्तों 2 और 9 का HCF एक आ रहा है दोस्तों, इसलिए किसी संख्या में यदि पूछा जाए कि इसमें 18 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो उसमें सीधा चेक कर सकते हैं दोस्तों कि उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का भी भाग जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाज्यता के नियम से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 7 8*3 9 4 5 5, यह 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः है विभाजित है, पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा दोस्तों, कौन सा अंक आएगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने 11 की भाज्यता का नियम आपको अभी बताया कि इसका क्रमागत योगों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। इसमें दोस्तों क्रमागत अंक लेंगे 7, एक अंक छोड़ेंगे अगला अंक लेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे अगला अंक लेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे अगला अंक लेंगे, इन सभी अंकों का योग कर लेंगे। जैसे दोस्तों इसको 7, यह हो गया एक्स प्लस 9 प्लस 5, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 9 और 5 होता है 14, 14 और 7 21, तो यहां हो गया 21 प्लस एक्स, और इसको घटा देंगे दूसरे क्रमागत से तो दूसरा क्रमागत हो जाएगा 8 और 3, फिर एक अंक छोड़ेंगे अगला अंक लेंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 8 होगा दोस्तों 15, यहां हो गया 15 दोस्तों। अब यहां घटाने के बाद या तो हमारे पास शून्य आना चाहिए या 11 से विभाज्य होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहां देखेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी इस प्रकार दिए हुए होंगे दोस्तों, 1, बी का मान होगा 0, सी का मान होगा 3 और डी का मान होगा 5। चलिए दोस्तों इन अंकों के हिसाब से ही हमें बताना है, वैसे तो ऑप्शन के बिना नहीं कर सकते इसको। चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि यहाँ पे 1 रखेंगे x का मान, तो यहाँ 22 होगा और 22 में से 15 जाएगा दोस्तों, तो 7 बचेगा, तो यह तो
ना तो जीरो आ रहा है न 11 से विभाज्य है दोस्तों। अब चलिए दूसरा लेते हैं और देखते हैं ऑप्शन बी, बी में दिया हुआ है जीरो, तो 21 में से 15 जाएंगे दोस्तों, 21 में से 15 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो यह भी 11 से भाज्य नहीं है। इस प्रकार तीन रखेंगे दोस्तों तो तीन रखने पे होगा 24, 24 में से 15 निकलेंगे दोस्तों तो 5 और 4 9 बच रहा है दोस्तों, तो यह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं 5, तो 5 में यह 26 हो जाएगा दोस्तों, 26, 26 में से 15 चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 11, और 11 हमें बताना है या तो अंतर जीरो होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, कि स्टार के स्थान पर 5 रखने पर यह संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य हो। इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 5, 4, 7 और डी है जो 2 है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर वह प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य हो। 9 की भाज्यता का नियम पे अभी चर्चा की दोस्तों, कि 9 की भाज्यता का नियम क्या होता है, कि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लेंगे और 9 से विभाजित करेंगे, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 9 और 6 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 में दोस्तों 9 का भाग नहीं जाता। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे दोस्तों कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ 22 और 5 होता है दोस्तों, 22 में 5 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में यदि 9 का भाग देंगे तो बड़ा आसानी से चला जाएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन 5 ए ही हो गया दोस्तों, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं एक, कि स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि संख्या 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें ए है 7, बी है 8 और सी है 5 और डी है 9। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या दी हुई है 451*603 संख्या दी हुई है, इसको 9 से पूरी तरह विभाजित करना है, तो कौन सा न्यूनतम अंक स्टार की जगह रखा जाए जिससे वह 9 से विभाज्य हो जाए। 9 की भाज्यता के नियम पे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, कि 9 की भाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों के योग में दोस्तों 9 का भाग जाना चाहिए तो वह संपूर्ण संख्या उससे विभाजित होगी। तो देखेंगे, योग करेंगे, 4 और 5 9 होता है, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 और 3 19 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे 19 आ रहा है और 19 में 9 का भाग नहीं जाता। अब यहाँ स्टार का मान रख के देखेंगे कि क्या आ सकता है, न्यूनतम मान बताना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है न्यूनतम। दोस्तों यहाँ अधिकतम भी पूछ सकता है और ऑप्शन में है, जो न्यूनतम और अधिकतम दोनों ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे 19 प्लस 7 रखने पर दोस्तों क्या आ रहा है, 26, 26 में दोस्तों 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। 19 और 8 रखेंगे दोस्तों, 19 और 8 होगा दोस्तों 27, 27 में 9 का भाग जाता है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है दोस्तों। अब अगला ऑप्शन देखेंगे 5, 19 और 5 24 हो जाएगा,
24 में दोस्तों सात का भाग नहीं जाता तो यह भी नहीं होगा। और अब देखेंगे दोस्तों 19 और 9, तो 9 और 9 18, 28 होता है, 28 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा तो इसलिए यह भी नहीं लेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी की संख्या में स्टार के स्थान पर 8 रखने पर वह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। दोस्तों दोस्तों भाजकता के नियम से इस प्रकार किसी भी संख्या के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप भाजकता के नियम सीख चुके होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक नया टाइप लेते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि बटा में अंश और हर में संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, या इनको अवरोही क्रम में किस प्रकार रखा जाए या आरोही क्रम में किस प्रकार रखा जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक संख्या ले ली 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7, यह संख्या ले ली। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कोई दो भिन्न दी हुई है उन भिन्न में बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि इस संख्या को इधर गुणा करते हैं, इसको इधर करते हैं, जो संख्या बड़ी होगी गुणा करने के बाद वह बड़ी और जो संख्या छोटी होगी वह छोटी। तो 9 को 7 से इंटू करेंगे दोस्तों 63 आएगा, 6 को 7 से इंटू करेंगे 42 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 63 संख्या बड़ी है, इसलिए 7/6 होगा जो बड़ा हो जाएगा और 7/9 छोटा हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ही इस तरीके से आगे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसी तरीके से आरोही और अवरोही को बड़े ही आसान से क्रम में जमा सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इस टाइप से दोस्तों चार प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सबसे छोटा, दोस्तों इस आगे लिखते हैं कि चार प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आरोही क्रम क्या होगा, चौथा क्वेश्चन आता है अवरोही क्रम क्या होगा। दोस्तों इस टाइप से यह चार प्रकार से ही क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल को सोल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे 7/6 और 7/9, 4/5 और 5/7 दिया हुआ है, तो इनमें देखेंगे सबसे छोटी बड़ी आरोही और अवरोही क्रम। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं और सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी देखते हैं। 9 और 7 यहाँ गुना करेंगे इसको तो यह 63 हो जाएगा। दोस्तों 6 और 7 को गुना करेंगे तो यहाँ 42 हो जाएगा। इनमें सबसे छोटी संख्या यह है तो इसको एक बार हटा देंगे दोस्तों। अब इन दोनों का रिलेशन देखेंगे दोस्तों, इन दोनों का रिलेशन हो रहा है यह 35 आएगा दोस्तों और 9 चौक यहाँ 36 आएगा। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या 7/9 हो गई तो इसका हटा देंगे एक बार, और फिर 7/9 और 5/7 में रिलेशन देखेंगे एक बार, दोनों रिलेशन देखेंगे। देखते हैं कि 7 × 7 49 होगा और 9 × 5 45 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न दोस्तों 5/7 हो जाती है और यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों कि सबसे छोटी भिन्न दोस्तों अब देखा कौन सी थी, अभी 5/7 निकल के आ रही है तो यहाँ आंसर हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न का 5/7। दोस्तों इसी प्रकार सबसे बड़ी भिन्न भी बता सकते हैं, सबसे बड़ी भिन्न चेक करेंगे अब कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न का भी दोस्तों निकालने का वही तरीका है, अभी अपन छोटी संख्या ले लेते हैं, बड़ी लेंगे ये 9/7 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, या 6/7 हो जाएगा। इस बार छोटी संख्या को नहीं लेंगे और बड़ी संख्या ले लेंगे। अब इस 7/6 और 4/5 में संबंध देखेंगे जो 35 होगा और 24 होगा। दोस्तों इन दोनों में बड़ी संख्या 7/6 है इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब 7/6 और 5/7 में संबंध निकालेंगे दोस्तों,
जो हो जाएगा 7 × 7 49 और 6 × 5 30। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी संख्या 7/6 निकल कर आ रही है, तो यहाँ 7/6 हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न 7/6 हो जाएगी। दोस्तों अब चर्चा करते हैं आरोही अवरोही पर। दोस्तों आरोही क्या होता है, आरोही क्रम होता है दोस्तों किसी संख्या के छोटी क्रम से बड़े क्रम की ओर चलना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना दोस्तों वह आरोही क्रम होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बार कि इस प्रकार से चिन्ह होता है, इसको ग्रेटर देन बोला जाता है, इस प्रकार से एक चिन्ह होता है इसको लेस देन बोला जाता है। दोस्तों इन चिन्हों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, जैसे यह 12 है और 5 है। दोस्तों अब यदि इन दोनों में बड़ी संख्या बतानी कौन सी है यह बताना हो तो इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिस संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होगा वह संख्या हमेशा बड़ी होगी और जिस तरफ मुंह बंद होगा वह छोटी होगी। दोस्तों इस प्रकार के चिन्ह का नाम ग्रेटर देन है और इसका नाम लेस देन है। दोस्तों यदि इस सिंबल का उपयोग करें तो इस सिंबल का उपयोग इस प्रकार होगा दोस्तों 12, 5, ग्रेटर देन और लेस देन का उपयोग इस प्रकार करते हैं छोटा और बड़ा बताने के लिए। आरोही क्रम होता है वह छोटे से बड़े की ओर होता है, छोटे से बड़े की ओर होता है। और दोस्तों अवरोही क्रम होता है, अब चर्चा करेंगे दोस्तों अवरोही क्रम पर कि अवरोही क्रम किस प्रकार होता है और निकाला जाता है। अवरोही क्रम होता है वो दोस्तों बड़े से छोटे की ओर होता है, बड़े से छोटे की ओर होता है कि सबसे पहले यहाँ बड़ी संख्या आएगी, फिर यहाँ उससे छोटी आएगी, फिर यहाँ उससे छोटी आएगी और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आरोही अवरोही क्रम सीख चुके होंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। दोस्तों अभी सॉल्व करके निकाला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी। दोस्तों इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो अभी निकाला कि 7/6 सबसे बड़ी है, 7/6 सबसे बड़ी है। तो यहाँ इस प्रकार सिग्मा मैंने अभी बताया कि जिस संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होगा वह सबसे बड़ी होगी। अब दोस्तों इसको हटा देते हैं और अब देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो 7 × 5 = 35 और 9 × 4 = 36, तो यहाँ 4/5 बड़ा हो गया। अब इन दोनों में संबंध देखेंगे, 7 × 6 = 28 और 5 × 25। तो दोस्तों यहाँ पे 4/5 बड़ी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। अब ग्रेटर देन लगा देंगे, जिस संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होगा वह संख्या बड़ी होगी। दोस्तों चलिए 7/6 और 4/5 का काम हो चुका। अब इन दोनों संख्याओं में संबंध देखते हैं, 7 को 7 से इंटू करेंगे दोस्तों 49 होगा और 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 9 × 5 = 45 होगा। यहाँ बड़ी संख्या 7/9 निकल कर आ रही है दोस्तों, और अब जो संख्या बच जाएगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। यह हो गया दोस्तों बड़े से छोटे की ओर हो गया अवरोही क्रम। यह अवरोही क्रम लिख लिया दोस्तों, अवरोही क्रम का उल्टा आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम में दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी संख्या और अंत में श्रृंखला में दी हुई सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइप। दोस्तों एग्जाम के अंदर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए इन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल में क्या संबंध होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों यह इन चारों संख्याओं में संबंध होता है कि किस प्रकार, जैसे किसी संख्या में भाग देने के लिए कहा जाता है दोस्तों, तो यह तो होता है जो यहां लिखा जाता है इसे भाज्य बोलते हैं दोस्तों।
भाज्य बोलते हैं इसे, और जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, और उसे यहां लिखा जाता है, और जिस संख्या में भाग देने पर जो संख्या आती है उसे भागफल बोलते हैं, और भाग देने पर जो शेष बच जाता है दोस्तों वो यहां लिखा होता है शेषफल, वो नीचे लिखा होता है शेषफल। जैसे दोस्तों 21 में 5 का भाग देंगे तो इसमें 4 बार जाएगा, 5 चौक का 20 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ एक शेष बच गया, रिमाइंडर एक बच गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बता सकते हैं आसानी से कि 4 ये है, 4 है जो भागफल है दोस्तों, और एक है जो शेषफल है, रिमाइंडर है यहाँ, और 21 है जो भाज्य है, और 5 भाजक है। दोस्तों इस उदाहरण को लेकर ही इन चारों में संबंध देखते हैं कि किस प्रकार ऊपर लिखा हुआ है जो सत्य है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे भाज्य है, भाज्य हमें दिया हुआ है 21 बराबर, ये भाजक है दोस्तों 5, और भागफल है 4 प्लस शेषफल 1 है। दोस्तों यदि यह इस संबंध को बराबर स्थापित कर देगा तो ऊपर लिखी हुई बात सत्य है, अन्यथा असत्य है। चलिए दोस्तों देखते हैं, 5 चौका 20 होता है, 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और यह है 21 बराबर 21 हो गया दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से ही हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं और चर्चा करते हैं कि भाजक भागफल का 25 गुना है, 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। तो यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाजक होगा जो भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो दोस्तों यहाँ भागफल की वैल्यू दी गई है और हमें भाज्य बताना है। दोस्तों अभी संबंध लिखा कि किस प्रकार होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। दोस्तों इसमें बताया हुआ है, वैल्यू दी गई है भागफल की, भागफल यहाँ 16 है तो यहाँ भागफल में 16 लिख देंगे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाजक होगा भागफल का 25 गुना है, तो दोस्तों यहाँ 16 दिया हुआ है और यहाँ 16 होगा जो 25 गुना हो जाएगा जो भाजक होगा, तो 16 × 25 लिख लेंगे दोस्तों प्लस शेषफल। और कहा गया है कि शेषफल का 5 गुना है, तो दोस्तों शेषफल का 5 गुना होगा भाजक, तो इसका 5 गुना इसमें से भाग लग जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 25 × 16 में 5 का भाग लग जाएगा, तो यहाँ शेषफल बच जाएगा दोस्तों, तो 5 × 5 = 25 होगा, और 16 × 5 = 80 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको गुना करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। 16 को 16 से इंटू कर देंगे दोस्तों, तो इसका स्क्वायर 256 होगा, 256 को दोस्तों 25 से इंटू करेंगे तो आएगा दोस्तों 25 होता है 150, 0 15 बच गए दोस्तों, 25 × 5 = 125, 125 में 15 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30, 25, 35, 40 की जीरो आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 14 शेष बच जाएगा दोस्तों। अब 25 × 50 होता है, 50 और 14 दोस्तों 64 हो जाएगा, तो इनका गुना 64 निकल कर आ रहा है, और यहाँ 80 शेषफल है, तो दोस्तों यहाँ पे इनका योग हो जाएगा 6480। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 6480 हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर शेषफल 29 आता है, तो इसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर क्या शेष आने वाला है।
क्या शेष आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार को क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका होता है कि जो शेषफल दिया होता है उस शेषफल के साथ वह प्रक्रिया कर दी जाती है जो कहा जाता है। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछ सकता है कि उसके वर्ग में भाग देने पर क्या शेष आएगा, तो यहाँ देखेंगे कि 56 से विभाजित करने पर 29 शेष बचता है, तो 29 में ही 8 से विभाजित करने पर क्या आएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 8 3 24 पर जाएगा दोस्तों, और यहाँ रिमाइंडर 5 बचने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप होता है दोस्तों, अगला टाइप कि यदि हमें पूछा जाए कि 100 से 600 तक की सभी संख्याओं में 6 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है कि यह पूछा गया इसमें 100 से 600 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी दोस्तों। इसमें पहले देखेंगे कि 600 में 6 से विभाजित करेंगे, फिर अंतर करेंगे और 100 को 6 से विभाजित करेंगे, तो जो संख्या शेष बचेगी वह 6 से विभाजित होगी दोस्तों। यदि प्रथम संख्या में नीचे दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों, तो उसमें 1 कम करके लिखते हैं। जैसे 600 में 6 का पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यहाँ 100 - 1 होगा, और यहाँ 100 में 6 * 1 = 6 होगा, 4 बचेगा, 6 * 6 = 36 होगा दोस्तों, तो यहाँ 16 हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ 99 - 16 हो जाएगा, जो निकल के आएगा 3, और 9 - 1 जाएगा दोस्तों 8। तो 100 से 600 तक की जो 6 से विभाजित संख्याएं होगी वो 83 होगी दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास में भाजकता के नियम पे चर्चा की और अन्य जो टाइप आते हैं नंबर सिस्टम से उस पे चर्चा की दोस्तों। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।